गाइस जिनेन फगट व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज हो रही है दीक्षा की बहुत तबीयत ख़राब, इसका हो रहा है गला ख़राब और बुखार हो रहा है, तो आज ये कर रही है रेस्ट। छुट्टी वाले दिन ये मेरी हेल्प करा देती थी, आज मैंने सारा काम किया है और मैं उसके बाद गई थी मार्केट हेयर कट करवाने के लिए और मैं कटिंग करवा के आ चुकी हूँ और मैं आपको शाम को दिखाऊँगी। मैं जाऊँगी शादी में तब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने अपना हेयर स्टाइल कैसा करवाया है, और फिर आप कमेंट करके बताना कि मेरा स्टाइल कैसा लगा। और मैंने घर का सारा काम मैं करके जा चुकी थी, फिलहाल मैं अभी रेस्ट करूँगी। अभी टाइम हुआ है 3 बज रहे हैं और फिर मैं जाऊँगी दूध लेने के लिए, और आने के बाद भाई अपना जो काम है वो करके फिर मैं होने लग जाऊँगी तैयार। फिर शाम को जाएंगे हम शादी में। और देखो अभी दीक्षा को दवाई दे रखी है, कितनी देर में ठीक हो जाएगी। ये तो मना करिए कि मैं नहीं जाऊँगी, पर इसको अकेले को कैसे छोड़ के जाऊँ, तो तब तक क्या पता ये ठीक भी हो जाए, और फिर इसको लेके जाएंगे हम शादी में। गाइस अब जो है रात के 10 और मैं जा रही हूँ, यहाँ पर डीजे पार्टी है, लेडीज संगीत है, वहाँ जा रही हूँ और मैं ये वाली ड्रेस पहन के जा रही हूँ, सूट सलवार और जूती पहनूंगी अभी बाहर से। आप कमेंट करके बताना कि मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। बुलावा भी आ गया आपका तो हाँ, वो बुलाने वहाँ करेंगे फुल मस्ती और धमाल, आ जा है ना। इसको जाने की पड़ी है, कपड़े चेंज करके ये मेरे साथ जाएगा। अब इसको जाने की सब हम जा रहे हैं, मैंने पहन लिया जूती, यहां सोचो मैं सही चली गई। हां मोरनी भाभी जाना मत नहीं कहेंगे अभी ये नहीं कहेंगे कैसे चले गए, बात बहुत देर तक रुकना है, मेहंदी का सेलिब्रेशन। ये शादी से पहले वाले दिन की है, जहाँ हम गए थे मेहंदी का फंक्शन था और संगीत लेडी संगीत था, तो वहाँ पे फिर हमने खूब मतलब मस्ती की। मेहंदी मैंने लगवाई नहीं क्योंकि भाई मेरे को आके बर्तन भी साफ़ करने थे और काम करना था, इस वजह से मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। फिर हम वहाँ पे डांस करके और भाई जो अपना होता था वो अपना वो सब करके और फिर हम आ गए थे। और ये है हमारी पहले रात की क्लिप, शादी से पहले वाली रात की। तो फिर मैंने सोचा अभी आज के ब्लॉग में कल वाली आज ही तो डलेगी, तो फिर मैंने आज ये डाल दी है। और फिर आज हम जाएंगे शादी में और फिर मैं जो आज रात को शादी की क्लिप होगी वो फिर मैं कल डाल दूँ।
ये है 14 तारीख की और आज है 15 तारीख है। तो फिर आज जो 15 तारीख वाली है वो रात हो जाएगी, रात की शादी है तो रात तो हो ही जाएगी, तो फिर वो आएगी आपको देखने को मिलेगी कल। तो फिर मैंने ये बीच में भाई जो कल वाला ब्लॉग वो था रात की थी तो वो मैंने अब डाल दी है, आप सब देख लो। और यहाँ पे सब ने डांस किया भाई, मेहंदी लगवाई और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। ये देखिए दुगू देख रहा है टीवी, अब इसने होमवर्क कर लिया और होमवर्क करने के बाद ये कर रहा है स्केटिंग। आती है तेरे को स्केटिंग करनी? हाँ आती है, इधर देख के बोल। मुँह क्या छुपा रहा है? और ये आज मेरे से रूस रहा है इसलिए मेरे से बोल भी नहीं रहा, क्योंकि आज मम्मी नहीं है और इसकी और मेरी लड़ाई हो गई थी मम्मी के जाने के बाद, तो अभी रूस रहा है इसे बोल भी नहीं रहा, इग्नोरेंस। गिर जाए कभी देखो, बीच बीच में बिस्किट खा रहा है। कम से कम 10-15 मेरे बेटे का मूड ऑफ, इसको हो रहा है बुखार, ये बिल्कुल मना कर रही है नहीं जाऊंगी। और मैं बोल रही हूँ तो तब तक तो ठीक हो जाएगी और वहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, तब तक बेटा वहाँ पे ना थोड़ी सी जल्दी ठीक होगी, थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाएगा वहाँ पे खेलने में और इधर उधर रहेगा, कहीं चक्कर ना हो, मैं इधर साथ रहूँगी। और इतनी भी बीमार नहीं है ये, है थोड़े से ड्रामे ज़्यादा करती है ये, आज सुबह से ऐसे कर रही है कि मेरे को ना दिखाना हल्का हल्का सा बुखार तो है, पर ये सुबह से ही लगी हुई है काम करने के बाद, तब तो मैंने घर का काम कर रहा उसके बाद बोल नहीं है, मेरे को थोड़ा सा कुछ ठीक लग रहा है ये सच्ची, कहीं मम्मा इसे काम ना करवा ले बड़ी शानी है ये नहीं अब इसको मैंने दवाई दे दी है, शाम को देखते हैं शाम तक ये ठीक हो जाएगी और फिर नहीं फिर ये जाएगी मेरे साथ तैयार होकर शादी में, ऐसे अकेले थोड़ी जाऊँगी बेटा मैं, हम तीनों चलेंगे मम्मा बेटा। हाँ फिर तेरे पापा बोलेंगे कि दीक्षा को छोड़ के चले गए, पापा बोलेंगे क्यों नहीं, पापा को पता नहीं चलेगा, पापा को पता क्यों चलेगा, अब हमारी वीडियो देखते हैं ना तो सबको पता चलेगा कि हाँ कौन कौन गए थे, नहीं ऐसे थोड़ी छोड़ के जाऊंगी, सारे जाएंगे। और इतनी भी नहीं है बेटा, जब तक शाम तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इधर बुखार भी नहीं है, बुखार है, उल्टी है, चक्कर है, गला खराब है, आपको लग रहा है ये बीमार है कमेंट करके बताना कि ये लग रही है बीमार है बीमार तो मैं हूँ नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा, तो वैसे ही बोल रही है दीक्षा, आपको वैसे पता चलेगा, पता क्यों नहीं चलेगा, हाँ गर्म तो है मेरे को लग रहा है।
उल्टी मेरे को तो नहीं दिखी, तेरी उल्टी कितनी हुई? मैं जाके आया हूँ रात को दो बार, अभी सुबह भी दो बार। हाँ, ये पूरी रात नहीं सो पाई, इसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, पर हमने कूलर चलाया। कूलर चलाने के बाद भी पता नहीं ऐसी गर्मी से चिपचिपा सा कुछ ऐसा लग रहा था। इसी के बिना काम नहीं चलेगा, अब इसी की सर्विस करानी पड़ेगी। कुछ है ना, हम इसी चलाते हैं ना, तो इस वजह से भी हमें कूलर सूट नहीं करता। कूलर की जो हवा होती है ना, वो नाक में घुस के और गर्म सर्द हो जाती है, इस वजह से भी हो गया होगा। तो देखते हैं दो दिन में करवाएंगे सर्विस, या फिर इसके पापा आने वाले हैं वो करवा देंगे। हम कर रहे हैं उनका वेट, देखो वो कब तक आए, दो दिन में, चार दिन में, दस दिन में ये नहीं पता। मिलते हैं शाम को और देखते हैं क्या पहनेंगे शाम को। समझ में नहीं आ रहा क्या पहनने, चाहे कितने भी कपड़े, आखिर में ये होता है शाम को क्या पहने क्या पहनने, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तैयार होंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या पहना है। मैं सोच रही सिंपल सा सूट ही पहन जाऊँ, फिर बिना बाद में जितना तैयार होने में टाइम लगता है, आने के बाद फिर रात को थके आ रहे आएंगे, फिर वही दिक्कत हो जाएगी। भाई चेंज करो करो, सिंपल सा कुछ पहन के जाऊँगी, फटाफट चेंज किया मैंने सो गए। और जो तिक्षा और जो भी मैं, हम दोनों कोई भी ड्रेस पहनेंगे, वो दोनों मैंने तैयार कर रखी हैं। मैं अपने कपड़े भी खुद डिजाइन करती हूँ और मैं अपने आप ही सिलती हूँ अपने कपड़े। तिक्षा की जो गाउन या लहंगा साड़ी जो भी होती है, लहंगा वगैरह, वो मैं खुद ही तैयार करती हूँ, इसकी भी और अपने भी। मैं आपको दिखाऊँगी एक दिन अपने सारे कपड़ों का कलेक्शन कि मेरे सूट किस टाइप के हैं, और भाई लहंगे भी बना रखे हैं मैंने, गाउन भी बना रखा है मैंने। हाँ, मैं आपको दिखाऊँगी एक दिन अपने। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा देखकर, और आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, एक और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो के बारे में पता चल सके। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। पीछे चल डुगू चला रहा है टीवी, तो थोड़ा सा ये साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे इग्नोर करें, आप मेरी आवाज़ पर ध्यान दें। हम बहुत मेहनत करेंगे, आपको हमेशा नया नया कुछ दिखा देने की कोशिश करेंगे। तो आप कभी वही हमारे उनसे बोर हो जाओ तो आप कमेंट करके बताना कि दीदी आप इस टाइप के ब्लॉग मत बनाया करो, और हमें किस तरह के बनाने चाहिए, आप वो भी कमेंट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। आज दीक्षा का मूड हो रहा है ओफ, इसको मेरी बातें लग रही है बकवास, तो इसलिए भाई मैं इसको थोड़ा सा ये फ्रेश हो जाए, इसलिए भी मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ, और थोड़ा सा आप भी देख लियो हमारी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना। ये बीमार भी होगी बेचारी। अब इसकी छुट्टियाँ स्कूल में जाती है ना, तो इस वजह से ये रील्स वगैरह में नहीं वो करने पाती, एक्ट करने पाती, नहीं तो इसको ना बहुत पसंद है। अब इसको टाइम नहीं लगता क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, तब कभी फ्री होगी तो ये ज़रूर दिखाएगी अपनी एक छोटी सी झलक रील्स में, तो इसलिए ये व्लॉग में आ जाती है। व्लॉग में भी इसके पास इतना टाइम नहीं होता है बेचारे के पास कि स्कूल में जाती है, पर ये कोशिश तो बहुत करती है। मेरी अच्छी बेटी है ये, और डुगू थोड़ा शैतान है। नहीं बेटा चल।